ये कैसे हुआ? बताओ ना ये कैसे हुआ? हाथ मत लगा, बोल रही हूँ ना। प्लीज मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मैं प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम क्या किया इसका हाल तूने? हाँ इसका हाल देखा है दो दिन से, तुम्हारे चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो गया। तू मत रो, तू मत रो, देख कितना दर्द हो रहा है उसे, इसका तो मैं करियर खराब कर दूंगी। हे गाइस, क्या हाल आप सभी का, वेलकम बैक टू अनदर द व्लॉग वीडियो मेरे भाइयों। तो गाइस करीबन दो दिन से मेरा वीडियो नहीं आया, इसलिए क्योंकि अन्नू के साथ लास्ट टाइम मेरी लड़ाई हुई थी, उसके बाद से मैंने दो दिन का पूरा गैप दे दिया। और भाई मेरे को इंडिया गेट में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं। तो भाई अन्नू का एकदम से मेरे पास मैसेज आते, कुछ कॉल्स आते, मैंने उठाए नहीं थे, तो उसने व्हाट्सएप पे देखो ये मैसेज करा है। जो यार लास्ट बार मिले आ जाओ मुझसे प्लीज यार, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। अच्छा देखो मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ आज लास्ट बार मांग रही हूँ कि आज लास्ट बार मुझसे मिलने आ जाओ। पता नहीं फिर कब हम मिले या ना मिले, प्लीज़ आज लास्ट बार मिलने आ जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूँगी मिलने के लिए, प्लीज़। तो गाइस उसने इतने रिक्वेस्ट से बोला है तो मेरे को तो जाना पड़ेगा। और भाई इतने इमोशनली कभी नहीं बोलती, वो मेरे साथ कभी बात नहीं करती, तो यार दोस्त के नाते तो जाना पड़ेगा कुछ भी लड़ाई हो। तो चलो भाई उससे मिलने जाते, वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसने इतने करके रिक्वेस्ट करा कि आज लास्ट मिल लो, तो इस चक्कर में मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। तो चलो गाइस देखते क्या सीन रहता है, अभी इंडिया गेट फिर वापस जाना पड़ेगा हमें, तो चलो भाई बने रहो व्लॉग में। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है लोकेशन पे, अब जाके अन्नू को ढूंढना है और मेट्रो के बाहर मिल गया हमें। और वैगन भाई क्या हाल है? मस्त है, अपना बताइए। मैं ठीक हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो? वो अभिषेक का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अभिषेक का, तो चलो ना फिर मेरे साथ। अभी आपसे एक बात करना। क्या हुआ? वो अन्नू जो है ना, हाँ उसको कुछ हो गया, वो घर वाले के साथ इधर आ रहे थे। है क्या हुआ? पता नहीं यार, देखे थे। कहाँ वो है, कहाँ पे, किधर है वो? किधर भाई ये कह रहा अन्नू को कुछ हो गया, मतलब नहीं समझा क्या हुआ? मतलब कुछ बहुत परेशान लग रही थी वो। भाई चलो घर वाले के साथ आए थे, घर वालों के घर वाले थे उनके साथ। चलो गाइस देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं। चलो वो भाभी हमारी दिख गई है वहाँ पे, ये भाभी हाँ दिख गई, रुक जा पूछते भाभी से। भाभी क्या हाल है? हाल चाल छोड़ो, क्या हुआ पहले बताओ कि अनु को क्या बोला तुमने? क्या बोला हमने? अनु का दो तीन दिन से फोन आ रहा है, तुम बात भी नहीं कर रहे हो अनु से। अरे उससे वो राकेश के साथ खुश है भाभी, छोड़ो ना उसका। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो जाओ उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुमको पता है? कसम से। हाँ बोले थे ना आपको बहुत परेशान। कहाँ है वो, कहाँ है? तुमको पता नहीं है कि एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं, दो तीन दिन से तुमको कॉल कर रही है, तुमको पता भी नहीं है? नहीं, अरे उसका फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि वो राकेश के साथ वीडियो बना रहे ना आजकल, इस चक्कर में फोन नहीं उठाता मैं उसका। उसका एक्सीडेंट हो गया, तुमको पता होना चाहिए ना यार। सच में भाभी? हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ बुलाओ ना उसको। अन्नू ये क्या हुआ? अच्छा नहीं किया ठीक है। और मैंने क्या करा है? ओ ये कैसे हुआ तुम्हें? हुआ क्या ये तो बताओ। तुमने किया जो भी किया है। मैंने ऐसे कोई बोलता है? अरे मैंने क्या करा? क्यों बोलते हो, टेंशन आएगी। मैंने क्या करा ये तो बताओ, टेंशन। अरे एक बात बताओ भाभी, आप भी यार एक बात सुनो तो, चिल्लाओ मत, रुक तो जाओ तुम लोग। पहले ये बताओ हुआ कैसे अनु, ये बताओ हुआ कैसे? हुआ क्या, इससे क्या पूछ रहे हो तुम? तुमको पता नहीं है क्या? अरे मुझे कैसे पता होगा, दो दिन से राकेश के साथ है इसलिए मैं उसको फोन। तुमने कॉल रिसीव किया क्या इसका? मुझे देखो भाभी लास्ट टाइम ये मिली थी मेरे को, राकेश के साथ वीडियो बना रही थी, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस ने कमेंट करा कि भाई वो तुम्हें काट रही है, उससे अलग हो जाओ ये वो। तो अनु रो मत, ये बताओ हुआ कैसे भाभी, ये बताओ ना हुआ कैसे? तुम क्यों पूछ रहे हो यार? भाभी पूछना भी तो जरूरी है ना। हाँ बीच में क्या हुआ जो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो? भाई ऑडियंस की कमेंट आई थी कि राकेश के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है, उसके पता है कि मैं उसके साथ में किस रिश्ते में हूँ। तो तुम उसके साथ वीडियो क्यों बना रहे थे उस दिन, ये बताओ। वो सब छोड़ो, चलो अच्छा बाबा मेरी गलती है, बताओ ये चोट कैसे लगा है? कैसे भी लगे तुम्हें मर्जी, तुम्हें मतलब है? कोई लड़की किसी लड़के के साथ वीडियो बनाती तो वो रिलेशन में ही उसके साथ। यार ये लोग प्यार वाले वीडियो बना रहे थे पता है? सच में, सच में भाभी वीडियो बना लो, तुम्हें जिसके साथ भी बनाना प्लीज वीडियो जाके बना लो, मेरे पीछे छोड़ दो प्लीज। यार मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। हाँ अनु ने रोक लिया, ये तो तुम पे पुलिस
केस करते हैं हम तो। कैसे तेरी खुदगर्जी, क्यों पुलिस केस करते भाई? मैंने अच्छा एक बात बताऊं, मैंने उसको मारा, मैंने थोड़ी मारा उसको, मैंने ये आपके चक्कर में हुआ है जो मेरे चक्कर में। क्या बोल रहे भाभी यार, रिसीव नहीं किया 2-3 दिन से, ये बहुत परेशान थी तो बात करते करते रास्ते में सड़क पे निकले, स्कूटी से चोट लग गया इसको, टक्कर मार। अच्छा भाभी तो इसमें मेरी गलती है, बिना बिना मतलब बिना देखे रास्ते में चलेगी, वो भी मेरी गलती है। टेंशन में है ना, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। तुमने राकेश के साथ मेरा कैसे रिश्ता लगाया यार? मैंने रिश्ता, मैंने क्या रिश्ता लगाया? तुमने खुद अरे ऑडियंस गलत नहीं बोली, ये बताओ ये हुआ कैसे? सुनो भाई प्लीज, आप गुस्सा मत करो भाभी, आप भी गुस्सा मत करो, 2 मिनट मुझसे बात कर लो, उसके बाद बात करना नहीं करना आपके ऊपर। भाभी 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट पक्का। अन्नू तुम बात करोगे हाँ कि ना? अन्नू, अन्नू बात करोगे हाँ या ना बताओ? अन्नू यहाँ पे बैठो, तुमसे बात करना है, आराम से आराम से। अब ये बताओ क्या गलती है मेरी, जो मैं तू सब बोल रहे कि मेरी वजह से ये सब हुआ, बताओ क्या गलती है मेरी? प्लीज यार विजु, मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती यार, प्लीज जाओ यार। क्या हुआ क्या ये तो बताओ, रुक जाओ रुक जाओ, ये पानी पियो, पहले पानी पियो, मैं खोल के देता हूँ। ये हुआ कैसे ये बताओ पहले मुझे, प्लीज यार, प्लीज। पानी पियो ना, पानी पियो, पानी पियो। यार अन्नू पता है अब कितनी सूख सी गई हो यार, बहुत ज्यादा। यार हुआ क्या ये तो बताओ, मेरे से इतना क्यों किलस रही हो आप, इतना क्यों किलस रही हो? हम मुझे पता सर में दर्द हो रहा होगा। ओके ठीक है, चिल्लाने ना आप, इतना बता दो गलती क्या आप, और आपके ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ऑडियंस को अपना बताना चाहती। अच्छा ऑडियंस को ही बताओ क्या सीन है, बताओ। वो मुझे गलत समझ रहे, धोखेबाज समझ रहे। क्या गलत समझ रहे? जाके कमेंट देखो कितने गलत गलत बोले, अन्नू ये अन्नू वो है। यार वो जैसे देखेंगे वैसे बोलेंगे ना, हम देखो मैं जैसे देखूंगा तुम्हें वो भी वैसे ही देखेंगे तुम्हें। अब मैंने गलत देखा तो उनकी क्या गलती है बताओ? ऑडियंस ये नहीं देखा कि तुम कितने लड़कियों के साथ में फ्लर्टिंग करते हो, ये लाइन मारते हो वो लाइन मारते हो, तुम्हें तो कभी गलत नहीं बोले, मेरे को 2 मिनट में धोखेबाज बोल दिए इन लोगों ने। अच्छा बाबा चलो ऑडियंस की तरफ से मेरे को सॉरी, अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट बताओगे? तुमने तो बता दिया ना राकेश के साथ में, मेरे राकेश के साथ कुछ नहीं चल रहा, जस्ट मेरा फ्रेंड है ओनली। अच्छा ठीक है सब बात मैंने मान लिया, अब ये तो बता दो प्लीज कैसे हुआ ये? बोलना चाहती, तुमने 2 दिन से फोन किया मुझे, ये फोन उठाया तुमने, तो हर जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा है ना, प्लीज ये ब्लॉक ही रहने दो यार तुम। यार वो इसलिए मैंने करा था, इसलिए करा था मैंने क्योंकि तुम तो मेरे सर दुखे। और अच्छा ठीक है चलो, दवाई खाया आपने? ये 2 दिन पहले हुआ है, कितनी बार कॉल किया जाके देखो अनब्लॉक करके। यार वो मेरी फ्रेंड, मुझे लगा आप राकेश के साथ वीडियो बनाओगे इसलिए मैंने फिर छोड़ो। यार क्या करूँ मैं फिर, इसके साथ वीडियो बनाती मुझे लगा था उसका चैनल नहीं चल रही थी, इसके वजह से एज अ फ्रेंड के तौर पे उसकी हेल्प की थी। अच्छा मैंने। चलो सुनो मेरी बात गाइस, मेरी गलती है कि मैंने 2 दिन से फोन उठाया, मैंने अन्नू के साथ राकेश को गलत देख लिया। एक बात बताओ, जाओ तुम कोलकाता, झूठ तुम बोलो, तुम सब कुछ करो, अगर मैं किसी की हेल्प कर दूं तो मेरी गलती इसमें है। अच्छा, ना बाबा धोखेबाज मैं हूँ, हर चीज मैं हूँ। दिखाओ तो एक बार, दिखाओ तो यार, अच्छा सॉरी ना, दिखाओ तो एक बार ना, कैसे हुआ? ज्यादा नहीं लगा, एक बस स्कूटी वाले ने धक्का मार दिया, ज्यादा ये सब कुछ नहीं है। दवाई खून नहीं है, दवाई है, ये सब सारे दवाई लगो, थोड़ा सा खरोच हो गया बस, यहाँ पे भी थोड़ा सा खरोच। वो भैया बहुत स्वीट थे, इसके वजह से वो ज्यादा पट्टी लगा दिए। अन्नू आज के बाद कभी नहीं आपका कॉल काटूंगा, आपको ब्लॉक भी नहीं करूंगा पक्का। अन्नू प्लीज यार मान जाओ यार, अन्नू प्लीज सॉरी, और इसके लिए मुझे तो तुम यही बोलते हो आज के ठीक क्या शॉपिंग करवाने ले चलो। ये देखो भाई शॉपिंग, चलो पक्का शॉपिंग करवाएंगे, मैं कल ही शॉपिंग करवाऊंगा गाइस, मैं कल अन्नू को शॉपिंग कराने ले जाऊंगा पक्का, अब तो मान जाओ ना प्लीज। 10 उठक बैठक क्या कल शॉपिंग और 10 उठक बैठक जाओ। अच्छा कल पक्का शॉपिंग करवाऊंगा, उठक बैठक रहने दो ना यार, करो करो मैंने बोला ना करो करो, जाओ यहाँ से। यार मेरा हाथ में दर्द हो रहा है। 300 होगा? नहीं 10 तो 10। क्या ऐसे नहीं होता, पूरा नीचे से ऊपर बैठो यार, इतना तो बैठो बैठो बोल रही ना, बैठो बैठो। सब देख रहे यार अपन, चलो बस कर लो, चलो थप्पड़ भी खा लो बस, लास्ट ब्लॉक करा इसलिए इतना कुछ। हाँ ये चोट नहीं होता ना गाइस तो मैं उसको बताता फिर। शॉपिंग कर लेंगे भी परसों, मैं बताती हूँ सरप्राइज कल, मैं गाइस कल शॉपिंग हो जाएगा फिर परसों मैं सरप्राइज दे दूंगी इन्हें, ठीक है? चलो तो गाइस जैसे कि अन्नू ने बोला है कि ये तभी माफ करेगी कि अगर मैं इसको शॉपिंग करा देता हूँ,
तो भैया शॉपिंग करवा देते इसको और साथ 3 ताके पूरा मार्केट मेरा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भैया मैं माफी नहीं मांगना चाहता, आप मुझे ब्लॉक कर दो। चलो दो कपड़े, दो जोड़ी कपड़े। सो गाइस फाइनली यार चलते अपने घर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए और अन्नु भी बहुत ज्यादा लेट हो गई। तो अभी चलो भाई मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बता देना, मेरे को तो बहुत बेकार लगा क्योंकि मेरे को कल शॉपिंग भी करवाना है इसको और पैसे पैसे बर्बाद। जस्ट चिल। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। कल से होगी ना वैसे? पक्का? कल तो कल आना ही है। पक्का? नहीं परसों से, परसों से, परसों से तो आ रही हो ना शॉपिंग के लिए? आ रही हो कल? बस फिर मतलब परसों से नहीं आओगी? आऊंगी ना। तो चलो गाइस आज के सच्ची पक्का ना? हाँ पक्का वाला पक्का। तो चलो गाइस कल तो हमारा व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि हम कल मेरा तबीयत खराब है। परसों से मैं आएगा। कल गाइस पेट में दर्द है, दुनिया का सबसे अच्छा दिन होगा। कल गाइस पेट में दर्द है मेरा। तो गाइस चलो प्यार से व्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, लव यू।